हेलो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं कल मैंने आपको लेंस फार्मूले के बारे में बताया था वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ़ और हमने मैग्नीफिकेशन जो वाई कार्डिनेट का रेशो होता है जिसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है वी वाई यू फिर उससे पहले वाली क्लासेज में मैंने आपको जनरल फार्मूला याद करने को बोला था एक जनरल फार्मूला था एन ऑब्जर्वर अपॉन वी माइनस एन ऑबेक्ट अपॉन यूल लेंथ का जो रेशियो होता है वो लेंस के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता वो ऑब्जर्वर वाली साइड का मीडियम और ऑब्जेक्ट वाली साइड के मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है तो वो सारी बातें आपको याद रखती है और अगर ऑब्जर्वर वाली साइड और ऑब्जेक्ट वाली साइड अगर मीडियम सेम होता है तो फर्स्ट फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से दूरी और सेकंड फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से दूरी बराबर आता है ठीक और फिर हमने लेंस मेकर फॉर्मूला भी देखा था वन अपॉन एफ इसको बोलते हैं म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंड माइनस वन इन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू आर वन उस सरफेस को कहते हैं जिस पर रे फर्स्ट इंसिडेंट होती है और रे फिर जब सेकंड टाइम जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन करने जाती है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है आर टू ये इतनी बातें अब तक हो चुकी हैं फिर कल मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉन्केव लेंस होता है तो कॉन्केव लेंस आपका वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बनाता कॉन्केव लेंस जो होता है वो आपका रियल का रियल नहीं बनाता और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बनाता ठीक तो एक रियल का रियल नहीं बनाता कौन कॉन्केव रियल का रियल नहीं बनाएगा कॉन्वेक्स वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बनाएगा इतना आपको याद रखना है इसके बाद हम सवाल करते हैं ठीक तो देखिए मान लीजिए बेटा ये एक लेंस था ये एक लेंस था इस लेंस का आ, अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं लट से थर्टी सेंटीमीटर और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं लट से सिक्सटी सेंटीमीटर अब हमने क्या किया हमने क्या किया इस लेंस को बीच में से काट दिया अब लेंस को बीच में से काट दिया बहुत अच्छी बात है और काटने के बाद एक टुकड़े को मैंने नीचे खिसका दिया तो मान लेते हैं धवाल वाले टुकड़े को मैंने नीचे खिसका दिया तो एक टुकड़ा ऐसे हो गया और दूसरा टुकड़ा ऐसे हो गया ये मेरे दो लेंस हो गए ठीक और मतलब दो टुकड़े हो गए एक टुकड़े को ऐसे ऊपर नीचे कर दिया और यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है ये मान लेते हैं एक लाइन बना लेते हैं चलिए दोनों का अपना अलग अलग लाइन बनाते हैं मतलब दोनों की प्रिंसिपल एक्सेस अलग अलग दिखाते हैं तो उसका प्रिंसिपल एक्सेस यहां है और इसका जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो यहां है ये और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो है मान लीजिए इसको माना जाए लट से 360 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है थ्री सिक्सटी सेंटीमीटर और आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि बताइए ये दोनों टुकड़ों ने जो इसकी इमेज बनाई होगी वो इमेज कहाँ कहाँ बनाई होगी मतलब उन दोनों इमेज के बीच का दूरी क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है ये वाला रेडियस कितना है तेज तो वाले टुकड़े को इधर शिफ्ट किया था ये रेडियस है आपका थर्टी सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना है आपका सिक्सटी सेंटीमीटर और ये दोनों का प्रिंसिपल एक्सेस है ये दोनों का प्रिंसिपल एक्सेस है और दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सेस है इसके बीच का दूरी आपको दिया गया है लेट से दैट इज 5 एम mm. ये इन दोनों के प्रिंसिपल एक्सेस के बीच का दूरी है और आपको सॉल्व करना है कि दोनों ने इमेज कहाँ कहाँ बनाई वो आपको बता देना है तो देखिए चलिए मैं पहले वाले पोर्शन के लिए कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ये एक लेंस है दिस इज ए प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो हाँ, मतलब आप ये बताइए इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस टोटल बनेंगी और कहाँ-कहाँ बनेंगी तो मैं बना के दिखाता हूं पहली बात करें हम इस वाले लेंस की जो ऊपर वाला है हमारा ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो देखो हुआ क्या होगा यहां से रे निकल के गई होंगी इस तरह से तो एक ऐसी रे होंगी जिन्होंने प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन किया होगा और एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन किया होगा कुछ रे ऐसी होंगी जिन्होंने इस कार्ड सरफेस पर रिफ्रेक्शन किया होगा और इस प्लेन सरफेस पर रिफ्रेक्शन किया होगा लेकिन कुछ रे ऐसी भी होंगी जिन्होंने दोनों ही सरफेस पर रिफ्रेक्शन किया होगा तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस इसकी बनेंगे तो उसका आंसर है थ्री कौन कौन बनाएगा ये ऊपर वाला पोर्सन अलग बनाएगा ये नीचे वाला पोर्सन अलग बनाएगा और ये बीच वाला पोर्सन अलग बनाएगा तो अब यह पूछ लिया जाए कि बताइए वो इमेजेस कहां, कहां बनेंगी तो देखिए उसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं तो पहला इमेज इस वाले फर्स्ट पार्ट के लिए तो पहले उसको हमें फोकल लेंथ लिखना पड़ेगा तो अपर वाले पार्ट के लिए फॉर अपर पार्ट फॉर अपर पार्ट तो अपर पार्ट के लिए हम जब फोकल लेंथ का कैलकुलेशन करेंगे वन अपन एफ दू म्यूएल माइनस वन वन अपॉन आर वन इसका रेडियस इनफाइन एट माइनस वन अपॉन आर टू और इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा माइनस तो यहां से वन अपॉन एफ वन इसको एफ वन बोल देते हैं अपर वाले पार्ट को ये कितना आएगा वन बाई टू देखने वन बाई सिक्सटी तो ये हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी तो एफ वन का जो वैल्यू आया वो आया आपका वन ट्वेंटी सेंटीमीटर और अगर इसके लिए हम फॉर्मूला लगाए कि वन अपॉन वी वन अपॉन यू वन अपॉन एफ तो देखिए फॉर्मूला लगे पहले वाले के लिए वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू दैट इक्वल टू वन अपॉन एफ वन अपॉन वी हमें निकालना है यू का वैल्यू कितना है माइनस थ्री सिक्सटी और एफ का वैल्यू कितना है प्लस वन ट्वेंटी तो वन अपॉन वी का जो वैल्यू आया वो आया वन बाई वन ट्वेंटी माइनस वन वाई थ्री सिक्सटी थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो थ्री माइनस वन का कितना टू टू बाई थ्री सिक्सटी तो v का वैल्यू आया वन एट्टी सेंटीमीटर V का वैल्यू 180 सेंटीमीटर आया मतलब जो ऊपर वाला ये वाला पोर्सन है ये जो इसकी इमेज बनाएगा वो इमेज कहाँ बनाएगा 180 सेंटीमीटर पर बनाएगा यहाँ से 180 सेंटीमीटर पर तो मैं इसका नाम देख देता हूं इमेज वन जो अपर वाले पार्ट ने बनाई और यहाँ से कितनी दूरी पर बनाएगा वन सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो इमेज भी कहां बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन जाएगी अब बात करते हैं नीचे वाले पोर्सन के लिए मिडिल वाले के लिए भी बात करेंगे पहले नीचे वाले को निपटा लेते हैं तो नीचे वाले पोर्सन की अगर हम बात करें तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वन अपॉन एफ टू म्यू लेंस थ्री बाई टू माइनस वन वन अपन आर वन ये है मेरा फर्स्ट सरफेस जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर ऑफ कर प्लस थर्टी माइनस वन अपॉन दस माई सेकेंड सर्फेस जो कैसी है प्लेन तो वन अपॉन एफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन बाई टू इंटू वन बाई थर्टी तो यहां से एफ का जो वैल्यू आया वो है सिक्सटी सेंटीमीटर और एफ का वैल्यू सिक्सटी सेंटीमीटर है और अगर इसके लिए फॉर्मूला लगा जाए वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ तो वन अपॉन वी निकालना है यू का वैल्यू है माइनस थ्री सिक्सटी और एफ का वैल्यू है 1 by 60. तो वन अपॉन वी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन बाई सिक्सटी माइनस वन बाई थ्री सिक्सटी सिक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए तो वी आएगा आपका थ्री सिक्सटी बाई फाइव तो ये आएगा सेवेंटी टू सेंटीमीटर मतलब जो ये वाला टुकड़ा है नीचे वाला ये इमेज बनाएगा और ये जो इमेज बनाएगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 72 सेंटीमीटर अब ये इमेज कहाँ बनाएगा तो देखिए ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट जो है वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के इधर है ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के आ, मतलब इमेज कहाँ बनेगी हम मैग्नीफिकेशन निकाल के बताएंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी वाई यू वी कैसा है हमारा पॉजिटिव है सेवन ट्वेंटी और यू कैसा है आपका माइनस थ्री सिक्सटी तो तो ये वैल्यू आई सुनिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड होंगे तो भाई साहब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी कितनी दूरी पर होगी सेवन टू सेवेंटी टू सेंटीमीटर पर होगी और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है वन और ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ ऑब्जेक्ट है वो कितना है फाइव इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा दिस इज द इमेज आई टू और जो ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक दिस इज द वन एम एम और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा सेवेंटी टू सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 72 सेंटीमीटर एंड दिस इज हा डिस्टेंस दैट इज 1 एम mm.

30 सेंटीमीटर पर रिफ्रैक्शन और 60 सेंटीमीटर पर रिफ्रैक्शन मतलब एक की तरह काम करेगा कौन सा portion? मैं आपको कलर करके दिखाता ये ये जो portion है यहां से तक का like और ये की तरह करेगा और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ कितना होगा तो मैं यहां लिख के दिखाता हूँ थ्री बाई टू माइनस वन वन अपऑन आर वन दिस इज द फर्स्ट सरफेस इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा प्लस थर्टी माइनस वन अपॉन आर टू उसका आ जाएगा माइनस सिक्सटी तो इसको सॉल्व किया जाए वन अपॉन एफ इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई थर्टी प्लस वन बाई सिक्सटी तो ये आया आपके पास थ्री बाई टू का नीचे मल्टीप्लाई करी टू को थ्री बाई सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटी का मतलब आया वन बाई ट्वेंटी तो एफ का वैल्यू आया फोर्टी सेंटीमीटर

एट से जाएगा फोर बार फोर्टी फाइव सेंटीमीटर तो इस वाले पोर्शन ने जो इसका इमेज बनाया होगा वो फोर्टी फाइव सेंटीमीटर पर बनाया होगा इसका मतलब यहां से कितना दूरी पर होगा फोर्टी फाइव सेंटीमीटर पर होगा तो सबसे नजदीक इमेज इस लेंस के सबसे नजदीक इमेज होगी वो इस वाले पोर्सन की होगी

तो इसको लिख लीजिए आप सब लोग सुनिए अब देखो काट के ऊपर खिसकाया कितना कचरा हो गया अगर इसको काट के नहीं खिसकाते अगर ऐसा होता तो अगर ये ऐसा होता तो ये आंसर होता लेकिन इसको हमने काट के एक पोर्शन को ऊपर कर दिया और एक पोर्शन को नीचे कर दिया तो देखिए नीचे ने एक अलग इमेज बना दिया ऊपर वाले ने एक अलग इमेज बना दिया और बीच वाला तो जहां इमेज बना रहा था पहले वो वहीं बनाएगा ठीक है अब सुनना अब देखिए इसको उड़ा देते हैं और सुनो बेटा ऐसे देखो अब क्वेश्चन यह है कि एक कन्वर्जिंग uh, लेंस है जिसका फोकल लेंथ है सिक्सटी सेंटीमीटर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रही है ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल एंड द प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इस सर्कल का जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसका अपना रेडियस है इस सर्कल का इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं लट से टू एम एम और इसका जो दूरी है यहाँ से आधा के इस दूरी को मान लेते हैं लट से थर्टी सेंटीमीटर तो कौन है ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कल सर्किलेट से उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल का इस सर्कल में अगर वो घूम रहा है तो उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा और ओमेगा का वैल्यू मान लेते हैं टू रेडियन पर सेकंड ठीक तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उसका ओमेगा दे दिया आपको टू रेडियन पर सेकेंड उसकी डिस्टेंस दे दी और सर्कल का रेडियस दे दिया और सर्कल का सेंटर कहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्लेन ऑफ सर्कल प्लेन of circle is perpendicular to principal axis। अब आपसे पूछा गया है कि जो इसकी इमेज बनेगी इस पार्टिकल की जो इमेज बनेगी और जो वो इमेज होगी वो कैसा मोशन कर रही होगी क्या वो भी सर्कुलर मोशन कर रही होगी दूसरी बात कैसा वो मोशन कर रही होगी फर्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी तीसरा क्वेश्चन इमेज का स्पीड क्या होगा क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसका एक स्पीड होगा तो इमेज का स्पीड क्या होगा चौथा क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन अगर वो कर रही होगी तो सर्कल की रेडियस क्या होगी इतने सारे क्वेश्चंस हैं अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो एक बात सच है कि जो इमेज होगा वो भी सर्कुलर मोशन कर रही होगी और जो इमेज सर्कुलर मोशन कर रही होगी उसकी जो एंगुलर एंगुलरबलास्टी होगी वो उतनी होगी जितनी ऑब्जेक्ट का एंगुलर है। ऐसा क्यों आप ऐसे सोचो जब पार्टिकल यहां था। पार्टिकल यहां पर जो इमेज है वो सर्कुलर मोशन करेगी क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर है तो उसकी इमेज कहीं बनी होगी और जब पार्टिकल घूम के वापस इसी जगह पर आया होगा तो उसकी इमेज भी घूम के वापस उसी जगह पर आ गई होगी ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में पार्टिकल ने एक राउंड कंप्लीट किया उतनी ही देर में इमेज ने भी एक राउंड कंप्लीट किया मतलब इमेज की एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है अब हमें निकालना है कि सर्कल का रेडियस कितना होगा तो देखिए तो पहले ऐसा करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस वन अपॉन यू दैट इक्वल टू वन अपॉन एफ वन अपॉन वी कहाँ इमेज बना होगा मतलब वो जो सर्कल होगा वो सर्कल कहाँ बन रहा होगा हमारा पार्टिकल का सर्कल कितने दूरी पर है थर्टी सेंटीमीटर की दूरी पर है और सर्कल इस प्लेन में है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस प्लेन में है सर्कल तो इसका इमेज का सर्कल भी किसी प्लेन में बन रहा होगा तो इमेज का सर्कल जो होगा वो किस प्लेन में बन रहा होगा ये हमें पता करना है तो उसके लिए वन अपॉइन वी माइनस वन अपॉइन यू यू इज माइनस एंडल तो वन अपॉइन वी का जो वैल्यू आया वो आयास वन बाई थर्टी तो वी का वैल्यू आ गया माइनस सिक्सटी मतलब जो इमेज का जो सर्कल होगा जो जो इमेज का सर्कल होगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा माइनस सिक्सटी मतलब सर्कल यहाँ से कितनी दूरी पे बन रहा होगा सिक्सटी सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होगा

पूछा गया था कि बताइए इमेज जब सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इमेज कितनी है फोर एम एम तो अब हमें स्पीड ऑफ इमेज लिखना है स्पीड ऑफ इमेज स्पीड ऑफ इमेज अगर हमें लिखना है तो स्पीड ऑफ इमेज क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ इमेज ओमेगा कितना है वही है टू रेडियन पर सेकेंड लेकिन हमारी जो रेडियस है वो कितनी है फोर एम mm. तो आंसर आया एट एम पर सेकेंड ये कौन है हमारी इमेज का स्पीड है और अगर हम ये लिखना चाहें कि हमारी जो हमारा जो पार्टिकल है या जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा मेगा uh, कितना है टू है और ये कितना है ये है तो ये आएगा फोर एम एम पर सेकेंड ठीक है अब सुनना मेरी बात तो इसको लिख लो और क्वेश्चन करते हैं जैसे मान लो बेटा एक लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ है टेन सेंटीमीटर और एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो एक का लेंथ टेन सेंटीमीटर और एक का लेंथ कितना है फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर दोनों ही कॉन्वेक्स हैं और एक यहां से लाइट का पैरल बीम इंसिडेंट किया गया और जो लाइट का पैरल बीम इंसिडेंट किया गया था इसका जो डायामीटर था द दिस लाइट विंग डायमीटर ऑफ दिस लाइट विंग वॉज डी दिस द सिलेंड्रिकल लाइट वीम हैविंग डायमीटर डी और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टन जा रही है एंड देर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैं ये चाहता हूं कि आफ्टर रिफ्रेक्शन ये दे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चली जाए तो बताइए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी इसको कितना होना होगा डी आपको बताना है और एक चीज़ और बतानी है कि जब ये रे बाहर निकल के जा रही होंगी तो ये सिलेंड्रिकल बीम जब बाहर आइज सिलेंड्रिकल बीम निकल के जाएगी तो इसका ये डायमीटर कितना आएगा ये भी आपको बताना है डायमीटर ऑफ इमेज कितना आएगा ये भी आपको बताना है सॉल्व करो देखो बेटा मैं बताता हूं आपका रे इससे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाना चाहिए और ऐसा तभी संभव है जब इस पर इंसिडेंट रेज फर्स्ट फोकस से आ रही हो। इस पर रे जब इंसिडेंट करने आए तब वो रेज फर्स्ट फोकस से आनी चाहिए तभी वो रे प्रिंसिपल के पैरेलल निकल कर जाएंगी मतलब इमेज कहां बनेगा इन्फिनिटी पे ये रे कहाँ कट करेंगी इन्फिनिटी पे तो जब रे इस पर इंसिडेंट होने आएंगी तो रे कहाँ से आती हुई लगनी चाहिए इसके फर्स्ट फोकस से और इसका फर्स्ट फोकस होगा इस साइड में ठीक है भाई इसका हालचाल देखते हैं ये लेंस पर जो रे हैं वो आपस में पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। लेंस इन रेज को बोलेगा कि तुम जाओ और मेरे सेकंड फोकस पे कट करो मतलब ये लेंस इन रेज को भेज देगा इंटरसेक्ट करने के लिए कहाँ अपने फोकस पे या ऐसा बोले सेकेंड फोकस पे और इसका सेकेंड फोकस होगा इधर इसका मतलब ये हुआ और होगा क्या कि इससे जो रे हैं आप ऐसे देखो होगा क्या कि जो आपका पहले वाला लेंस है इस पर जो ये रे आई है ये रे ये इसका सेकंड फोकस है यहां कट करेंगी ये बात फिक्स है डी डिस्टेंस कितना भी हो ड मैटर ये डिस्टेंस 20 पे कट करेंगे ये डिस्टेंस 10 पे कट करेंगे दैट इज ट्रू बिकॉज इनको कहां कट करना है इसके फोकस पर कट करना है इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब ये डिस्टेंस डी कितना भी हो भाड़ में जाए डी डी से मतलब नहीं है ये यही कट करेंगे अब ये वाली रे जाकर गिरेगी सेकंड वाले पे ये वाली रे कहां जाकर गिरेगी सेकंड वाले पे तो सेकंड वाले को जो ये रे आती हुई लगेंगी वो इस वाले पॉइंट से आती हुई लगेंगी क्योंकि सेकंड वाले लेंस पर ये रे जाकर गिरेंगी ना फर्दर आपने कहीं भी सेकंड लेंस रखा आपका सेकंड लेंस आपने यहां रखा इस पर जब ये रे जाकर गिरी तो सेकंड लेंस को दे यहां से आती हुई लगनी चाहिए यहां से आती हुई लगेंगी और आप ये चाहते हैं कि ये लेंस इनको पैरल भेज दे इसका मतलब इसको ये रेज इसके फर्स्ट फोकस से आती हुई लगनी चाहिए इसका मतलब ये पॉइंट इसका फर्स्ट फोकस होना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक उसका ट्वेंटी कितना होना चाहिए ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये अगर 20 सेंटीमीटर हुआ तो ये इसका फर्स्ट फोकस होगा और इसको ये रेज फर्स्ट फोकस से आती हुई लगेंगी और ये रेज को क्या करेगा पैरेलल भेज देगा तो ये रे आएंगी इस तरह से सीधे और लेंस बोलेगा इनको कि ठीक है तुम मेरे फर्स्ट फोकस से आ रही हो इसलिए तुम सीधे चली जाओ यह बीम सीधे निकल जाएगी अब आपको निकालना है डायमीटर ऑफ द बीम तो देखो डायमीटर कैसे कैलकुलेट होगा ये मेरा इसका डायमीटर है इमरजेंट बीम का डायमीटर है इसको मैं मान लेता हूँ लेट से डी टू अब मैं क्या लगाता हूं और ये मेरा इंसिडेंट बीम का डायमीटर है ये है मेरा डी वन डायमीटर डी वन ठीक अब मैं ये कह रहा हूं बेटा अब आप सिमिलर ट्राइंगल देखिए कौन कौन सा एक तो ये वाला ट्राइंगल देखिए दिस ट्राइंगल एक ये वाला ट्राइंगल देखिए और एक ये वाला ट्राइंगल देखिए ये दो ट्राइंगल आप देखिए ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं इसका मतलब आया कि दैट डी वन अपॉन डी टू d1 वन अपॉन का वैल्यू आएगा दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस तो d2 का वैल्यू आया वो आया टू टाइम्स ऑफ d1 और d1 कितना दिया है सवाल में d के बराबर दिया है तो d2 का जो वैल्यू आ गया वो आएगा गया टू टाइम्स ऑफ d मतलब जब ये बाहर बीम निकली होगी तो वो थोड़े ज्यादा एरिया में फैल गई होगी पहले डायमीटर डी पहले डायमीटर d था बाद में डायमीटर कितना हो गया इसका टू डी मतलब बीम ज्यादा एरिया में फैल गई ठीक अब सुनना तो देखिए अगर वीम ज्यादा एरिया में फैल गई तो अगर हम बात करें हम इंटेंसिटी की तो देखो एनर्जी उतनी है जितनी यहाँ से आ रही थी जितने फोटोन यहाँ से आ रहे थे उतने ही फोटोन आगे चल के जा रहे हैं एनर्जी उतनी ही है लेकिन एरिया बढ़ गया और एनर्जी पर सेकेंड अपॉन एरिया को हम इंटेंसिटी कहते हैं तो ये जो इमरजेंट वीम होगा इसका इंटेंसिटी कम होगा कंपेयर टू दिस क्योंकि उसमें एरिया क्या हो गया बढ़ गया और इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया ठीक अब देखिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन में एक लेते हैं कॉन्वेक्स और एक लेते हैं मतलब एक लेते हैं कन्वर्जिंग और एक लेते हैं डाइवर्जिंग और तब बात करके देखते हैं तो देखिए सेम क्वेश्चन होगा मान लीजिए ये एक लेंस है एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ थर्टी सेंटीमीटर और एक यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं से 15 सेंटीमीटर ठीक 15 नहीं इसको 15, 10 सेंटीमीटर मान लिया जाए, जाए नहीं ये कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग ठीक तो 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एंड सेम क्वेश्चन है बेटा कि इस पर एक पैरेलल बीम आई रे की एक पैरेलल बीम आई हैविंग डायमीटर डी वन हैविंग डायामी लेट से डी और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन भी पैरल जानी चाहिए और इसका डायमीटर कितना आएगा ये डायमीटर आपको बताना है नंबर लेट से डी टू इसको बोला है मैं डी टू बताना है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस स्मॉल डी कितना होना चाहिए ये भी आपको बताना है दो क्वेश्चन इसमें बताने हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किया था तो सुनिएगा तो देखिए आपका जो ऐसे, ऐसे एनालाइज करते हैं देखो ये वाला हमारा है डाइवर्जिंग लेंस और ये रे को पैरेलल बाहर निकालेगा तो ये रे को पैरेलल बाहर तभी निकालेगा जब रे इसको फर्स्ट फोकस से आती हुई लगेंगी मतलब जो ऑब्जेक्ट होगी वो कहाँ होगी फर्स्ट फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनीटी पे और पैरेलल रेज कहाँ कट करती है इन्फिटी पे तो रेज का पैरेलल जाना हम बोलें या इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा ये बोलें दोनों का एक ही मतलब है अब मुझे बताइए ये, ये जो मेरा डाइवर्जिंग लेंस होता है इसका फर्स्ट फोकस होता है इस साइड में फर्स्ट फोकस यहाँ कहीं होता है इस साइड में इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे इस फर्स्ट फोकस की तरफ आ रही होंगी तो वो आफ्टर रिफ्रेक्शन कैसे जाएंगी पैरल जाएंगी अदरवाइज वो पैरल नहीं जाएंगी अब इसको सॉल्व करते हैं पहले सेकेंड हमारा जो पहला कन्वर्जिंग लेंस है इसका हालचाल देखते हैं तो कन्वर्जिंग लेंस पर जब लाइट बीम इंसिडेंट हुई कन्वर्जिंग बीम लेंस पर जब लाइट बीम इंसिडेंट हुई तो कन्वर्जिंग लेंस बोलेगा कि जाओ और मेरे फोकस पे कट करो क्योंकि पैरेलल आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सेस के भी पैरेलल हैं कहाँ कट करती हैं फोकस पे और लाइट से इसका कहीं फोकस यहाँ होगा और ये बोलेगा वहाँ जाकर कट करो ये इसने बोल के इनको भेज दिया ठीक है वो जाके वहाँ कट करेंगी इस तरह से अब आप ये चाहते हैं कि जो सेकंड हमारा डाइवर्जिंग लेंस है ये रे उस पर जाकर गिरे ये रे उस पर जाकर गिरें और ये इन रे को बाहर पैरेलल निकाले, तो ऐसा सभी तभी संभव है जब रेज उसके फर्स्ट फोकस की तरफ आ रही हो। इसका मतलब उस लेंस को हम यहाँ रखेंगे तो कोई काम तो बनेगा नहीं क्यों क्योंकि रे इस पॉइंट से आती हुई लगेंगी इसको और ये इसका फर्स्ट फोकस हो ही नहीं सकता फर्स्ट फोकस की तरह इसका इस साइड में

ये क्या बोलेगा कि देखो रेज मेरे फर्स्ट फोकस की तरफ आ रही हैं इसलिए ये रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन पैरेलल हो जाएंगी तो वो ये लेंस इन रेज को पैरेलल यहां से भेज देगा ये आपका पैरेलल बीम अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस कितना है तो देखो ये तो कितना आएगा टेन क्योंकि फर्स्ट फोकस उसका है सेंटीमीटर पे और ये याँ से याँ तक थर्टी क्योंकि उसने अपने सेकंड फोकस पे काटने को भेजा था तो उनके बीच का जो डिस्टेंस आ गया दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अब आपसे वो पूछेगा कि बताइए जो आउटसाइड बीम निकल के गई उसका डायमीटर क्या है तो देखो आप दो सिमिलर ट्राइंगल देखो कौन कौन से ड्रॉ करके दिखाता हूं दो सिमिलर ट्राइंगल देखो ध्यान से एक ट्राइंगल तो ये वाला देखो ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल देखो ये दो सिमिलर ट्राइंगल देखो तो क्या आएगा इसका D2 है डायमीटर तो ये आएगा D2 टू बाई टेन बराबर आएगा D1 वन इसका डायमीटर D1 है और डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा कितना है थर्टी तो D2 का जो वैल्यू आया वो आया D1 वन बाई और D1 की वैल्यू D के बराबर तो वो आया D बाई थ्री इस केस में क्या होगा जितनी एनर्जी पर सेकेंड यहाँ से आ रही है उतनी एनर्जी पर सेकेंड आगे जा रही है लेकिन बीम का डायमीटर कम हो गया बीम का एरिया कम होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी मतलब तो ये जो ये अगर मैं यहाँ दीवाल रख दूँ सामने तो मुझे चमकदार स्पॉट देखेगा क्यों क्योंकि इंटेंसिटी हमारा क्या हो गया है इनक्रीज हो गया है ठीक लिख लें आप लोग आप सुनिए तो देखो इस तरह से ये लेंस वाले क्वेश्चन हैं ये आप कर लेना ठीक है ना चलिए तो कुल मिला के फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस कहाँ कहाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ठीक अब हम आगे बढ़ते हैं अच्छा एक क्वेश्चन आप बोलते हैं मान लो बेटा यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज है ठीक तो आपसे पूछा गया कि बताइए जो लेंस है जो लेंस है उस लेंस so का ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा यह आपसे पूछा गया है तो देखो उसका आंसर है आप ध्यान रखना ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है तो आप ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट से रे निकली और वो इमेज तक पहुंची और मान लो रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे होती है ना वो विदाउट डेविएशन के जाती है इसका मतलब यहां से जो रे निकल के यहां गई होगी वो विदाउट डेविएशन वाली जो रे गई होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से गई होगी इसका मतलब जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा वो इस लाइन पर मिलेगा तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल बी ऑन दिस लाइन ठीक है ना तो लेंस में बड़ी अच्छी पहचान होती है कि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो बिना डेविएशन के सीधे जाती है और ऑब्जेक्ट से रे निकली है तो इमेज तक जरूर जाएगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना लो और ऑप्टिकल सेंटर इसी पर पाया जाएगा मतलब लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा इसी लाइन पर होगा ठीक अब सुनिए ठीक है अब हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की तरफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लेंस होंगे और उनको एक साथ रख दिया जाएगा बहुत सारे थिन लेंस होंगे और उनको एक के साथ एक के साथ एक ऐसे रख दिया जाएगा और जब उनको एक के साथ एक के साथ इस तरह से रख दिया जाएगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बताइए कि हमारा नेट फोकल लेंथ क्या है सिस्टम का जैसे आप ये समझो जैसे मान लो एक लेंस ये है एक दूसरा लेंस मान लो ये है एक मान लो तीसरा लेंस ये है ऐसे मान लीजिए दो या तीन या चार लेंस हमने इस तरह से साइड बाई साइड रख दिए और सबके सब थिन लेंस हैं तो इस सिस्टम की एक फोकल लेंथ आती है इस सिस्टम की फोकल लेंथ आती है इसका मतलब क्या हुआ दिस सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाई दिस सिस्टम Is replaced by a lens having focal length, having focal length, F equivalent. मतलब उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं एफ इक्वलेंट बोलते हैं मतलब इनको हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं इनको भगा देते हैं हम समझते हैं ये तीन लेंस नहीं है तीन लेंस की जगह हमारे पास एक ही लेंस है और उस एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है एफ इक्वलेंट अब बात आती है कि चलो ठीक है भाई इनको भगा देंगे आप उस एफ इक्वलेंट की वैल्यू तो बताओ तो मान लेते हैं इसका एफ वन है इसका एफ टू है इसका एफ थ्री है, है, है ये कौन है सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट एफ वन सेकेंड को फोकस का कोऑर्डिनेट एफ टू सेकंड फोकस का कोऑर्डिनेट एफ थ्री तो जो हमारा equivalent lens होगा उसके focus का coordinate, coordinate है coordinate है 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 ये किसके होता है? One upon plus one upon plus one upon और जितने ज़्यादा so से कैलकुलेट करके हम ये निकाल लेते हैं कि जो इक्वलेंट लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कुछ देखिए वो आप ऐसा समझें मान लीजिए बेटा कि ये एक लेंस है और एक इसके साइड में ये मान लीजिए एक दूसरा लेंस है तो कुल मिला के दो लेंस हो गए इसका आदोसी मान लेते हैं हम लट से थर्टी सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं फोर इसका आदोसी मान लेते हैं लट से सिक्सटी सेंटीमीटर और इसका भी आरो मान लेते हैं लट से सिक्सटी सेंटीमीटर ठीक और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं लटसे थ्री बाई टू तो एक्चुअली में ये दो थिन लेंस हैं जो एक साथ रखे गए हैं कौन से दो थिन लेंस हैं इसको थोड़ा अगर मैं डिटेल में एनालाइज करके बताऊं तो एक लेंस ये है जिसका ये वाला आर ओ सी कितना है 60 सेंटीमीटर ये आर ओ सी कितना है 60 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है थ्री बाई टू और एक दूसरा लेंस ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है फोर और ये आर ओ सी कितना है थर्टी सेंटीमीटर और ये आर ओ सी कितना है सिक्सटी सेंटीमीटर दीज आर टू लेंसेज और से चिपका के रख दिया गया है तो ये हमारा डायग्राम बना है और अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा या फिर इस कॉम्बिनेशन का जो सेकंड फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है तो उसका आंसर है ये फार्मूला ठीक तो आप क्या करिए आप क्या करिए इस वाले लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ लिखिए और इस वाले लेंस का अलग फोकल लेंथ लिखिए इसके को बोल देते हैं एफ वन और इसको बोल देते हैं एफ टू तो वन अपॉन एफ वन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यूस अपॉन न्यू सराउंडिंग और दोनों को कहाँ रखा गया में. में है एयर में सराउंडिंग में कौन है एयर अगर वाटर में रखते तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें निकाल लेते हैं हम वाटर में जैसे मान लो सराउंडिंग में वाटर होता तो इसका भी वाटर में फोकल लेंथ uh, निकालते और इसका भी वाटर में फोकल लेंथ निकालते अगर सराउंडिंग वाटर होता तो तो वन अप एफ वन का जो वैल्यू आएगा मेरा वो आएगा म्यू लेंस दैट इज थ्री बाई टू माइनस वन एंड वन अपन आर वन दैट इज वन बाई सिक्सटी एंड वन अपन आर टू दैट इज माइनस सिक्सटी मैंने आपको बोला है ना आप ऐसे कंसिडर किया करें हमेशा कि रे राइट से इंसिडेंट होंगे हमेशा ऐसे एक फिक्स रखें अपने दिमाग में राइट से और मैं भी कुछ नहीं बोलूँ तो हमेशा रे इंसिडेंट किधर से लीजिएगा राइट से लीजिएगा तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉर्डिनेट पॉजिटिव आएगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉर्डिनेट नेगेटिव आएगा तो मैंने पुट कर दिया इसको सॉल्व करेंगे वन अपॉन एफ वन वे आएगा वन बाई सिक्सटी तो यहाँ से एफ वन आ गया आपका सिक्सटी सेंटीमीटर अब बात करते हैं इस वाले के बारे में तो इसमें भी धीरे धरसे इंसिडेंट होंगी तो वन अपॉइन एफ टू दैट इक्वल टू म्यू लेंस माइनस वन मतलब फोर माइनस वन इन टू वन अपन आर वन तो इसका जो कॉर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव आएगा और इसका भी जो कॉर्डिनेट आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा तो ये आया थर्टी माइनस वन बाई सिक्सटी अब आप नीचे मल्टीप्लाई करिए ऊपर टू का मल्टीप्लाई करिएगा टू माइनस वन सिक्सटी आएगा तो ये आया अपॉइन एफ टू दैट इक्वल टू थ्री इंटू वन बाई सिक्सटी तो एफ टू का जो वैल्यू आया वो आया ट्वेंटी सेंटीमीटर ये एफ वन और एफ टू आया लेकिन हमें चाहिए कि इसका इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ तो इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आएगा वो आएगा वन अपॉइंट एफ इक्वल एंट वन अपॉइंट एफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वो आएगा वन अपॉइंट एफ वन प्लस वन अपॉइंट एफ टू तो वो आएगा वन बाई सिक्सटी प्लस वन बाई ट्वेंटी थ्री का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा फोर और नीचे हो जाएगा सिक्सटी तो ये आया फोर बाई सेंट का जो वैल्यू आया वो आ गया फिफ्टीन सेंटीमीटर एफ इक्वलेंट का जो वैल्यू आया वो कितना आया फिफ्टीन सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आएंगी और जो इस कॉम्बिनेशन पर आकर गिरेंगी तो वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ कट करेंगी 15 सेंटीमीटर पे, बिकॉज द इक्वलेंट फोकल लेंथ इज द 15 सेंटीमीटर ठीक तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तो ये है आपका लेंस इस लेंस पर ये रे इंसिडेंट हुई इस डायरेक्शन में ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रेज हैं और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो कट करेंगी वो कहा कट करेंगी

एफ वन का कैलकुलेशन कैसे करते म्यू एल अपॉन म्यू एस तो थ्री बाई टू में डिवाइड लगता किसका फोर बाई थ्री का और यहां पर भी फोर में डिवाइड लगता किसका फोर बाई थ्री का और फिर कैलकुलेशन पूरी की जाती ठीक लिख लीजिए आप लोग बनाइएगा अब सुनिएगा सुनिएगा बेटा अब चलिए एक सवाल और करते हैं जैसे मान लो मान लो हमारे पास एक ये एक लेंस है यह हमारे पास एक लेंस है और यह लेंस में का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेट से थ्री बाई टू और यह वाला आर ओ सी है का थर्टी सेंटीमीटर और ये वाला आर ओ सी, एस का cm, सी एस का 60 है का सिक्सटी सेंटीमीटर यह एक लेंस है और मान लीजिए लेंस पे इस तरफ से मान लीजिए एक पैरल बीम आ रही है वो पैरल बीम कहीं तो इंटरसेक्ट कर रही होगी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी इसका फोकल लेंथ निकाल के हम बता सकते हैं कि वो पैरल बीम कहाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी तो यहाँ से एक पैरल बीम आ रही है इस तरह से और पैरल बीम क्या करेगी इस लेंस से रिफ्रैक्शन करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा कहाँ आ रहा होगा पता नहीं कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कहाँ आ रहा होगा अब उन्होंने क्या बोला ना उन्होंने बोला कि हम पानी भर दिए कहा पानी भर दिए यहां पानी भर दिए भाई ठीक है भर दिए भर दिए ये लो पानी भर दिए और जब वो पानी भर दिया बोले पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री दुनिया जानती है अब बोल रहे हैं कि बताओ अब इन रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हुआ होगा मतलब पहले कहां था और अभी कहां है वो पता कर लो और फिर शिफ्ट पता चल जाएगा कि कितना वो इंटरसेक्शन uh, पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि सिस्टम की फोकल लेंथ में कितना चेंज आया है क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज है तो पहले कॉम्बिनेशन का क्या फोकल लेंथ था उसको निकाल लेते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे में बढ़िया तो दे इधर से इंसिडेंट आएंगे ये होगी वन ये होगी सर्फेस टू इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर काट आर टू तो वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन दट ऑज थ्री बाई टू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इसको सॉल्व करिए जैसा भी आएगा जो भी आएगा तो ये आया थ्री बाई टू माइनस वन तो ये हो गया वन बाई टू और ये आया वन बाई थर्टी माइनस वन बाई सिक्सटी तो यहां से एफ आ गया आपका 120 ट्वेंटी सेंटीमीटर क्योंकि बनेगा ये और ये सिक्सटी बनेगा और एफ आ गया 120 सेंटीमीटर मतलब पहले जो रे हैं वो कहा कट कर रही होंगे 120 ट्वेंटी सेंटीमीटर पर कट कर रही होंगे बाद में क्या हो गया तो बाद में दो लेंस हो गए एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया और ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस तो प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस जो हो गया उसको फोकल लेंथ अगर एफ टू मान लू दैट इज वाटर लेंस वाटर लेंस वाटर लेंस कौन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि ये सरफेस कैसी है फ्लैट जो मेरा अनदर लेंस है जो मेरा वाटर का लेंस है जो मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ मुझे लिखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो आएगा लेंस माइनस वन 1 upon R1, this will be the first दैट इज is infinity, minus 1 upon R2, that is दैट इज तो यहाँ से वन अपॉइन एफ टू का जो वैल्यू आएगा फोर बाई थ्री माइनस वन हो जाएगा आपका वन बाई थ्री इंटू वन बाई सिक्सटी तो यहाँ पे जो इसका लेंथ आएगा वो आएगा वन एटी सेंटीमीटर अकेले का तो अब ये दोनों एक साथ हो गए हैं वो पहले वाला हमारा लेंस और दैट वाटर लेंस तो जो वन अपॉइन एफ इक्वलेंट आएगा वो आएगा वन बाई ट्वेंटी प्लस वन अपन वन बाई वन एट्टी अब एलसीएम लिया जाए एलसीएम लिया जाए और एफ इक्वलेंट का वैल्यू लिखा जाए तो ये आएगा आपका वन एट्टी इंटू वन टी डिड बाई थ्री हंड्रेड तो एक जीरो से एक जीरो चला गया एक जीरो से एक जीरो चला गया तो एफ इक्वलेंट का जो वैल्यू आया वो आया सिक्स इंटू तो ये आया सेवेंटी टू सेंटीमीटर अब देखो क्या इसका मतलब है मैं आपको प्रॉपर रे डायग्राम से समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका मतलब इसका यह हुआ कि पहले हमारा ये लेंस था थिन लेंस था, बहुत पतला सा लेंस था और इस पर लाइट बीम आ रही थी पैरल लाइट बीम आ रही थी इस पर इस पर पैरल लाइट भी रही थी और जब तक हमने पानी नहीं भरा था तब तक ये लाइट बीम जो इंटरसेक्ट कर रही थी वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी 120 सेंटीमीटर पे मतलब इसी लाइन पे आप आगे चलते जाइए ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया इस लेंस का और फोकस पॉजिटिव आया मतलब ये, ये कहीं यहां जाकर कट कर रही थी ऐसे कहीं यहां जाकर कट कर रही थी कहीं यहां जाकर कट कर रही थी एंड दैट डिस्टेंस इज वन सेंटीमीटर अभी क्या हुआ हमने पानी भर दिया अभी हमने क्या किया यहाँ तक पानी भर दिया तो जब हमने पानी भर दिया तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था वो चेंज हो गया जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था वो क्या हो गया चेंज हो गया वो 120 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है वो फोकल लेंथ कितना आया सेवेंटी टू सेंटीमीटर इसका मतलब जो रेज है अभी जो रेज है वो कहीं ऐसे कट कर रही हैं इस तरह से इस तरह से और ये जो डिस्टेंस आई है दैट इज 72 सेंटीमीटर तो कितना शिफ्ट हुआ भाई इतना शिफ्ट हुआ कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट हुआ अपर डायरेक्शन शिफ्ट हुआ ये कितना आया 120 ट्वेंटी माइनस सेवेंटी टू दैट इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था रेज का वो शिफ्ट हो गया अपर डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ वो हुआ 48 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ तो इस तरह से देखो हमारे जो इक्वेलेंट फोकल लेंथ है वो इस तरह से लिखी जाती है ठीक है आओ सुनना अब एक चीज हम पढ़ेंगे अब वो है पावर तो देखिए पावर क्या होता है तो पावर जो है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द रेज मतलब एक लेंस रेज को कितना मोड़ सकता है कितना बेंड कर सकता है उस चीज को हम पावर कहते हैं और पावर का फॉर्मूला क्या होता है पावर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ तो जितना एफ ज्यादा होगा उतनी उस लेंस की पावर क्या होगी ज्यादा होगी जैसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं सुनना जैसे मान लो ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है ठीक है ना अगर ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है अब देखिए पावर के प्लस माइनस साइन पे मत जाना मैं कह रहा हूं कि मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ पी क्या रिप्रेजेंट करेगा एबिलिटी एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द रेज प्लस माइनस तो इस तरह से आएगा कि भाई अगर हमारा कन्वर्जिंग लेंस है तो एफ पॉजिटिव आएगा तो पावर पॉजिटिव और एफ हमारा डाइवर्जिंग लेंस है तो एफ हमारा नेगेटिव आएगा तो पावर क्या आएगी नेगेटिव आएगी और फोकल लेंथ को हम मीटर में यूज करेंगे तो लेंस का जो पावर है उसको डायप्टर में यूज करेंगे मतलब वन अपॉन मीटर को हम क्या बोलते हैं डायप्टर तो ये यूनिट है डायप्टर किसका पावर का तो फोकल लेंथ को किस में यूज करना है मीटर में तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा डायप्टर अब देखो सुनो मैं कह रहा हूं कि मान लो बेटा हमारा लेंस का फोकल लेंथ कम है फोकल लेंथ कम है तो पी ज्यादा आएगा और फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो हमारा पी क्या आएगा कम आएगा तो आप ऐसे देखो ये मान लीजिए हमारा लेंस है ठीक अब मान लीजिए लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है मतलब ये वाली जो रे है ये कहीं दूर जाकर कट करेंगी ये कहीं दूर जाकर कट करेंगी ऐसे देखो मान लीजिए इन रे ने यहां जाकर कट किया इन रेज ने यहां जाकर कट किया इन रे ने यहां जाकर कट किया तो जितना दूर कट करेंगी उतना कम बेंड हुई जितना दूर इंटरसेक्ट करेंगी उतना जो बेंड आया ये जो डेविएशन आया ये डेविएशन उतना कम आया और जितना डेविएशन कम आया तो आप देखिए जब एफ ज्यादा होगा एफ ज्यादा होगा तो पावर क्या आएगी कम आएगी पावर कम आएगी मतलब बहुत ज्यादा वो बेंड नहीं कर पाया रे को लेकिन आप सोचो अगर एफ कम होगा एफ कम होगा मतलब उनको नजदीक बेंड करना पड़ेगा और नजदीक इंटरसेक्ट करना पड़ेगा अगर F अगर आपका कम है एफ आपका कम है तो एफ आपका कम है तो वो रे को नजदीक ही इंटरसेक्ट करवा देगा और रे को अगर उसने नजदीक ही इंटरसेक्ट करवा दिया तो देखो बहुत ज्यादा डेविएशन करा दिया रे को बहुत ज्यादा एंगल से मोड़ दिया ठीक तो अगर एफ की वैल्यू कम होगी तो पी की वैल्यू क्या होगी ज्यादा पी की वैल्यू ज्यादा मतलब पावर ज्यादा तो पावर ज्यादा का मतलब है कि वो रे को ज्यादा बेंड कराएगा और पावर कम का मतलब है कि वो रे को कम बेंड कराएगा क्लियरली बोलू मैं तो पी का यही मतलब है कि अगर पी ज्यादा है तो रे ज्यादा बेंड होंगी और पी कम है तो रेज कम बेंड होंगी ठीक है ये आपको याद रखना है अब देखिए पावर से रिलेटेड कई चीजें हमसे पूछी जाती हैं जैसे मान लो बेटा जैसे कई बार हमसे ऐसे बोला है कि जैसे ये एक लेंस है इस लेंस का ये रेडियस का मैग्निट्यूड मान लेते हैं मॉड आर वन इसका लेंस मॉड आर टू ठीक इसको मान लेते हैं क्या मॉड आर वन इसको मान लेते हैं क्या मॉड आर टू तो इस का, इस का एक पावर होगा वन अपॉन एफ और इस लेंस का जब हम पावर लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या वो आ जाएगा म्यू एल और म्यू सराउंडिंग म्यू एस तो म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन और ये आ जाएगा वन अपॉन मॉड आर वन प्लस माइनस पुट कर देता हूं ये आ जाएगा अब वो हमसे पता है सवाल क्या पूछते हैं अरे इधर से इधर इंसिडेंट करेंगे तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव तो प्लस ही तो आएगा बीच में ठीक अब वो हमसे पता है क्या पूछते हैं बोले हमने इस, ले इस लेंस को ना दो टुकड़ों में काट दिया ठीक अब कैसे काटा तो चलिए पहले हम मानते हैं कि इस लेंस को हमने ऐसे काट दिया ऐसे काट दिया तो हमने इस लेंस को ऐसे काट दिया तो कितने टुकड़े बने दो टुकड़े बने तो बताइए इस टुकड़े की पावर क्या होगी तो आंसर है इस टुकड़े की पावर सेम होगी क्योंकि पावर होता है क्या फोकस का इनवर्स वन अपन एफ दैट इज कॉल्ड पावर और वन अप एफ किस पर डिपेंड करेगा वो लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और दोनों सर्फेसिस का रेडियस ठीक अब दोनों सरफेस का रेडियस वही है जैसे इसका एक टुकड़ा ले लेता हूं मैं ये एक टुकड़ा है तो भाई साहब इस वाले टुकड़े का भी तो रेडियस उतना ही है इस वाले टुकड़े का भी तो रेडियस उतना ही है लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी तो उतना तो तो ही है तो अगर इसका मैं फोकस लिखूंगा वन अप एफ लिखूंगा लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करूंगा तो इसके लिए भी तो वन अपन एफ वही लिखा जाएगा जैसे वहां लिखा गया था वन मोड आर वन प्लस वन मोड आर टू इसका मतलब यह हुआ कि इस अकेले टुकड़े का भी पावर उतना ही है जितना उस पूरे टुकड़े का पावर था ठीक है इसका मतलब इस टुकड़े का पावर चेंज नहीं हुआ तो चाहे मैं इसके ऐसे हजार टुकड़े कर देता तो इस टुकड़े की जो पावर होती पावर जो होती वो क्या होती सेम होती पावर किस पर डिपेंड करती है मान लो मैं इसको ऐसे काट देता तो कहानी में चेंज आता तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं तो अभी सबका पावर कैसा है सेम है ठीक और अब मान लो बेटा एक लेंस है इस तरह से इस लेंस को बोला कि हमने इसको ऐसे काट दिया ठीक है भाई काट दो तो और ये दोनों अलग अलग पार्ट हो गए तो पहली बात इन दोनों जो दो पार्ट बन के तैयार हुए अलग अलग क्या उन दोनों की पावर अलग होगी क्या तो हाँ होगी क्यों क्योंकि इसमें रेडियस आर वन आर टू थी और जब हम एक टुकड़े को देखेंगे तो वो है लेंस। उसमें एक बदल ना, एक बदल गई गई ना हो तो इसलिए जो दो टुकड़े बनेंगे उन टुकड़ों की पावर अलग अलग होगी ठीक हमने वो बोलता है कि ऐसा करो हमने टुकड़े जो ना, उन टुकड़ों को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया किस तरह से मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं बोले कि देखो भाई एक टुकड़ा ये है इथहल टुकड़े का ना वो बोला इसे बदल दिया ठीक फिर हमसे तो पूछते बताइए इस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी और देखिए बताता हूँ और बोले कि इस बार हमने ऐसे कर दिया मतलब जिस तरह से आप बदलना चाहते हैं ना आप कैसे भी बदल लो मतलब यही टुकड़े थे इनको ऐसे रख दिया इनको ऐसे रख दिया ठीक और और ऐसे भी रख दो बोले कैसे इनको उल्टा साइड बना के तो पूछता है कि बताइए ईच कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा तो आंसर है कि ईच कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो सेम होगा क्यों सेम होगा मैं लॉजिक कनेक्ट करता हूं ये जो मेरा एक लेंस है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टूज दिस होल लेंस दिस वन लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज और वो लेंस कौन है दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो नेट पावर है आप सोचिए एफ इक्वलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू तो इस अकेले का इस एक पूरे इस लेंस का जो पावर है वो पी वन है तो इस पूरे पावर को ऐसा करते पी नॉट बोल देते इसको इस पूरे का जो पावर है वो है पी नॉट मतलब इसका जो फोकल लेंथ है उसका इनवर्स कितना है पी नॉट क्योंकि वन अपॉन एफ को ही हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं तो इसका पावर हो गया पी नॉट और वो किसके बराबर है दोनों लेंस की इंडिविजुअल पावर के समेशन के बराबर है अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेंस यहां थे एक्जेक्ट वही दो लेंस यहां है और एक लेंथ का जो जितना फोकस था उतना ही फोकस इसका है, उतना ही फोकस इसका है अरे इस लेंस का एक फोकस होगा ना इस लेंस का एक फोकस होगा ना और उतना ही फोकस होगा जितना वहां था ठीक इसका मतलब जब मैं इसमें भी पावर लिखूंगा तो इसमें भी सेम कहानी आएगी कि दैट पावर इसका इसकी पावर को मैं बोल देता हूँ पी तो नहीं पी नहीं बोलते इसको पीडाश बोल देते हैं तो पी डैश का जो वैल्यू आएगा कि इन सेम स्टोरी पी वन प्लस पी टू इसमें हम बात करेंगे तो इसमें भी तो फिर से वही दो लेंस है दो लेंस वही वाले तो हैं और नेट फोकल लेंथ लिखेंगे तो वन अपॉन एफ अपॉन एफ अपॉन एफ टू मतलब इसका पावर प्लस इसका पावर मतलब तीनों कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तीनों कॉम्बिनेशन में आप देखें तो पावर जो आएगी वो क्या आएगी सेम आएगी ठीक है तो हमारे जो तीनों कॉम्बिनेशन बनेंगे लेंस के इन तीनों में जो पावर आएगा हमारा वो कैसा आएगा सेम आएगा ठीक तो चलिए फिर बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक आप पढ़ें और किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो पूछें ठीक है थैंक यू